सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। गाइस देखो, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ एग्जाम से रिलेटेड, कुछ मेरिट से रिलेटेड। एंड आप सभी को पता होगा ड्यू टू कोरोना वायरस आपका कोविड-19 एंड अभी हंता के बारे में आप सभी सुन रहे होंगे, बट वो बेसिकली ह्यूमन टेस्ट से नहीं मतलब इंक्रीज होता है एंड आप सभी खुद पढ़ सकते हो एंड उसके बारे में कभी अभी बात करेंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों के एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट में कमेंट करके बताना एंड आपके जो डाउट्स हों आज का ना, और ये हो सकेगा तो मैं आज आपका लाइव सेशन भी करके आपके डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, सो गाइस चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी तो देखो सभी को पता होगा कि आपके एनडीए का, आपने एनडीए देखो दो चार पांच कोर्स बनते हैं। पहले तो भैया नेवी का जो मतलब कब तक होगा, तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई क्लियर डेट नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ केवल, ठीक है, जैसे एनडीए के एग्जाम भी पोस्टपोन होगा। ठीक है, क्यों होगा ये तो आप सभी को भी पता होगा। एनडीए ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया था नोटिफिकेशन में एंड 8 जनवरी को मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे एंड उसके बाद इधर मीन्स 8 जनवरी को होना था और इधर 10 जून को जो आगे आएंगे उसका 28 जनवरी तक आपके चले थे 6 PM। ओके गाइज, देन ये शेड्यूल था अपना 28 जनवरी और 2020 टिल 6 PM तक अपने का फॉर्म फिलअप हुए थे। उसके बाद रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आने थे, 3 वीक्स बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम आपका कब होना था, 19 अप्रैल से आपका एग्जाम होना था। आप सभी को पता भी होगा, मैं आपको वो भी क्लिप मतलब दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम। मैंने एनडीए एग्जाम जो 2020 होना था वो 19 अप्रैल को होना था और वो जो आपका सितंबर पे होगा मिस एनडीए सेकंड का 2020 का वो 6 सितंबर से होना था। भाई लॉजिक क्या कहता है, सिंपल सा लॉजिक है, आप सभी को भी पता होगा। अगर थर्ड वीक की बात कर लेते तो अप्रैल स्टार्टिंग ही मान लो, ठीक है, वैसे तो मार्च लास्ट आता है 21 डेज, आप सभी समझते हो ना, 21 डेज मीन्स 19 अप्रैल, ठीक है, सो मार्च अप्रैल लास्ट आ जाता है, मतलब मार्च का लास्ट आ जाता है एक से दो दिन, बट वो चीज़ मैटर नहीं करता। अभी तो मान लो 15 दिन का बंदी, सो मीन्स 15 क्या 3 वीक्स का बंदी है, मीन्स सब कुछ लॉकडाउन है, कुछ नहीं होने वाला। एंड भाई ये अभी का थोड़ी है, आपको पता होगा कि मीन्स आगे पता नहीं कब तक ये बंद रहेगा, ये केवल 3 वीक्स के लिए मीन्स अभी है। अगर ये कंट्रोल होता है देन कुछ आगे स्टेप्स मतलब लिए जाएंगे, अगर कुछ बढ़ता है तो भाई बिल्कुल ही बंद बना रहेगा, समझे ना। सो अभी एग्ज़ाम एनडीए का भी पोस्टपोन होने वाला है, बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। ओके, अब ये तो हो गया एनडीए का, बट अपना पढ़ाई भाई कैरी ऑन रखो, घर पे स्टडी करो, ऑनलाइन स्टडी करो, बहुत सारे यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इट्स नॉट ओनली इन माय यूट्यूब चैनल, मतलब बहुत सारे चैनल हैं, बहुत पुराना जो टॉपिक वीक हो उस टॉपिक को सर्च करो एंड पढ़ाई करो। अभी एयरफोर्स एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, नहीं पहले एयरफोर्स फाइनल मेरिट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब अगर इस एयरफोर्स फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो देखो एयरफोर्स जो फाइनल मेरिट आपका आना था वो 30 अप्रैल को आना था। कब आना था, 30 अप्रैल को आना था। सो मेरिट से लेके अभी उसके बीच में आपका कोई फंडा बीच में होने वाला नहीं है, मीन्स आपका मेरिट तो आएगा ही क्योंकि मेरिट से एंड उससे कोई रिलेशन नहीं है कोविड-19 से, वो इंडियन एयरफोर्स की। हाँ ये हो सकता है कि इनकी टीम जो है वो छुट्टी पे हो, ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, बात क्या बताना था मुझे, हाँ जैसे कि अभी नेवी का जो नंबर वो दिया हुआ है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर 1800-419-2929, तो अभी उस पर कॉल नहीं लगता। आज मैंने कॉल किया तो बता रहे थे कि मिस अनअवेलेबल की वजह से, मतलब कि कैंडिडेट नहीं होने, जैसे कि कहीं भी कॉल करो तो अभी मतलब बता रहे कि कोई ज़रूरी हो तभी कॉल करो, अदरवाइज मत करो, नहीं तो पहला कभी ऐसा नहीं बताया, ठीक है। सो वही सेम से मतलब कंडीशन कैरी होती है यहाँ पे आपका कट उस पे मेरिट पे, बट मेरिट तो भाई आपका 30 अप्रैल को ही अपलोड हो जाएगा, बाकी ज्वाइनिंग वगैरह इस बार सब कुछ इंक्रीज होने वाला है। दूसरा नंबर नेवी एग्ज़ाम नेक्स्ट मेरिट नेक्स्ट वैकेंसी और वही एयरफोर्स का एग्ज़ाम नेक्स्ट वैकेंसी, एज का भी फंडा इस बार बहुत बदल जाएगा क्योंकि भाई अगर देखो ये चलता रहा, पहला नंबर तो अच्छा नहीं है, ठीक है, जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए एंड बहुत ज़्यादा, और अभी भी मैं देखता हूँ कि मतलब कुछ लोग मानते नहीं हैं, मतलब हल्के में लिए हैं, बट ये शायद न्यूज व्यूज नहीं देखते आई थिंक, सो ऐसा कुछ। एयरफोर्स के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, सो अभी क्या है कि इन्होंने दिया है अप्रैल लास्ट वीक तक कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि आपको पता है कि बनाना है 15 अप्रैल के बाद अगर आसार ठीक दिखेंगे तो बिल्कुल थोड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, या अप्रैल मई जून में भी हो सकता है कि एक बात और कि केवल सितंबर वाला ही एग्ज़ाम शायद कराएं, क्योंकि फिर पूरा स्टूडेंट का शेड्यूल ही ख़राब हो जाएगा। अभी तक तो एग्ज़ाम आपका हो जाना था, सो अगर ये मई जून तक जाता है देन आपको सितंबर वाला एग्जाम आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन का जून लास्ट से जुलाई स्टार्टिंग पे आपका नोटिफिकेशन एयरफोर्स का आ जाता था, ठीक है। सो ये एयरफोर्स का सीन है एग्जाम का, मेरिट तो आपका 30 तारीख को ही आएगा, 30 अप्रैल को। नेवी के यहाँ पे बात कर लेते हैं एज का, एज रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के डाला था नेवी से रिलेटेड, तो उसमें मेरे मीन्स अच्छे खासे व्यूज आए थे। व्यूज क्यों आए थे मैं बता दूँ,
क्योंकि कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में, और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने पूछा कि भाई ये बताओ कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं बता दूं, एग्ज़ाम तो होगा, मतलब होगा, बट एज मैटर करेगी। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपका 20/12/2001 तक है लास्ट, ठीक है, सो आपका नेक्स्ट वैकेंसी जो जून लास्ट में आएगी उसमें फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल जाएगा। बट भाई इस बार अभी फेज सेकेंड ही नहीं हुआ, और फेज सेकेंड कब तक नहीं होगा, अभी तो फेज सेकेंड नेवी का स्टार्ट हो जाता, बट फेज सेकेंड अभी COVID-19 की वजह से अभी तो 20 अप्रैल तक कोई चांस ही नहीं है, 20 अप्रैल तक कोई चांस ही नहीं है। 20 अप्रैल पता नहीं, अगर ये आगे इंक्रीज होता है सो वो भी अपना पोस्टपोन हो जाएगा, एंड आगे ऐसा ही सीन बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो ना भाई। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो अभी क्या अपने को बस जो चीज़ें हैं इनसे अपने को डिग्रीज ही करना है, तो खुद हेल्प करो दूसरे की, एंड डटे रहो, इस काम करते रहो, जो अपना पढ़ाई लिखाई है वो करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी नहीं तो कुछ ना कुछ दिन बाद होगा ही, बट जिन कैंडिडेट्स का डेट ओवर हो रहा है तो फिर भाई हो जाएगा डेट, क्योंकि ये लॉजिकली सही नहीं है जो चल रहा है कंट्री पे। मतलब मैं एग्ज़ाम के मेरे रेफरेंस से है कि एग्ज़ाम के आपके हिसाब से नहीं सही, कि भाई आपका एज ओवर हो जाएगा इस वजह से, ठीक है ना। सो देखते हैं कैसा क्या होगा, ये कुछ बातें थी। मेन मेरा एनडीए का बताना था कि एनडीए का एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, बट ये भी देखना पक्का का पक्का कैंसिल होने वाला है, मीन्स पोस्टपोन होने वाला है, ठीक है। सो वीडियो जैसा भी लगा हो एंड आपके जो डाउट्स हो, जैसे कोस्ट कर्नाटक डीबी का मेडिकल था वो भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, ये भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।